देखिए, जब फॉर्मूला दिया गया एलेवन का, साइन माइनस थीटा बराबर इसमें होगा लॉग माइनस बाहर देगा, याद है, तो जब माइनस बाहर आएगा यानी कि लिमिट इस टेंस टू माइनस बाहर आया और वो माइनस माइनस कट गया, साइन इट बाई एच वन और हम जब उस फॉर्मूला का रूप पकड़ लिया बराबर कितना फॉर्मूला है। अब आते हैं कौन लिमिट निकाले, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच जीरो प्लस एच दोनों के लिए वही प्रश्न है। अब जहाँ एक है वहाँ क्या रख देना है, एच रख देना है, तो एच रखिएगा आ गया साइन एच बाई एच, फिर आ गया फॉर्मूला, हाँ कितना हुआ, तो लेफ्ट और राइट बराबर आया और वैल्यू ऑफ लम्प सम, वैल्यू ऑफ को सूचित करेंगे एफ जीरो से, और ये निकालने की जरूरत नहीं, दिया गया है कितना, जब एक लगा रहेगा तो एक का मान उठेंगे, तो कॉन्स्टेंट यहाँ दे दिया एक बराबर जीरो, फंक्शन का वैल्यू कितना है, ठीक है, तो यह बराबर है यहाँ, अगर ये मोल लिख देते तो बराबर हो जाते, ठीक है। तो और हम कहेंगे कि यह लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर तो हुआ राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ, इसलिए फंक्शन क्या हुआ बिल्कुल इसलिए इफेक्ट ही इस स्थिति का। तो समय तो अब नहीं है, एक और बताते कैसे बता जाने लग जाएगा, ठीक है, आपको जो समझ आए बनाइए, अब पौना रूपए मिलेगा फर्स्ट बॉल सेकेंड बॉल पता समाप्त हो गया, और डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है विश्लेषण नहीं बनाइएगा, सबसे बढ़िया है कि लुसेंट का वर्कआउट बना लीजिए।